नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज, मैं हूं स्नेहलता। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करें, उससे पहले बड़ी खबर मिल रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रसेल्स से ये बड़ी खबर है। ब्रसेल्स में स्वीडन के दो नागरिकों की हत्या होने की खबर मिल रही है। हमलावर ने खुद को आईएसआईएस का सदस्य बताया है। हमले की वजह मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को बताया, और हमले के बाद आईएसआईएस के आतंकी जो खुद को आईएसआईएस का आतंकी बता रहे हैं वो मौके से फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। ये वीडियो सामने आया, दो स्वीडिश नागरिकों के हत्या की खबर ब्रसेल्स में। तो गोलियों की आवाज सुनी, दो गोली दागे जाने के बाद आपको बताएं दो स्वीडिश नागरिकों की मौत हुई है। और कुछ लोग बातचीत करते इस ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं, कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि आईसिस के आतंकी हैं और जिस तरीके से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है उसकी एवज में वो जान ले रहे हैं। ये बड़ा मामला बेल्जियम के ब्रसेल्स से सामने आया, जहां आईसिस के आतंकी ने हमला किया, ये बात बताई जा रही है। दो स्वीडिश नागरिकों की मौत के बाद एक वीडियो सामने आता है जिससे ये दोनों हमलावर अपने आप को आईसिस आतंकी बता रहे हैं। हालांकि इनकी तलाश के लिए रेड जारी है, इनकी तलाश के लिए सरगर्मी से कॉम्बिंग की जा रही है। बेल्जियम के ब्रसेल्स से ये बड़ी खबर। ABP News, आपको रखे आगे।